हरियाणा सरकार द्वारा धान खरीद के ऐलान के बाद भी सरकारी पोर्टल के ठीक काम न करने से खरीद में आ रही परेशानी, किसानों को दिया जाने वाला टोकन सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करने से किसान नाराज। किसानों ने सरकार पर पहले 3 अध्यादेश के जरिए अब धान खरीद सिस्टम खामी की वजह से बेवकूफ बनाने का लगाया आरोप। आढ़ती भी बिना टोकन माल न खरीदने की दे रहे दुहाई। किसानों के सड़क जाम के बावजूद सरकार ने किसानों की मंडी में आई धान की फसल को खरीदने के अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। साथ ही NIC के खरीद पोर्टल के काम न करने से धान खरीद में भारी दिखाव के चलते किसान फिर सरकार से नाराज लग रहा है। किसान का आरोप है कि पहले 15 दिनों से वे धान की फसल मंडियों में लेकर पड़ा हुआ है और खराब मौसम के चलते उन्हीं धान में नमी आने और पोर्टल में खराबी के बावजूद सरकार किसान की फसल नहीं खरीद पा रही है। किसानों का आरोप है कि मंडी बोर्ड में टोकन सिस्टम की खराबी के चलते किसान अपनी फसल मंडी में नहीं ला पा रहा है, फिर नमी की मात्रा भी धान फसल खरीद में आड़े आ रही है। उनका कहना है कि दूसरी ओर सरकार के 3 अध्यादेश भी किसानों को तंग करने और पीड़ा पहुंचाने में सहायक हैं। हरी सिंह कहां में छोंडे गांव से, मैं तो कहना नहीं, बहुत दिक्कत जी किसानों तो जी, यहाँ तो मंडी में देख लो क्या हाल हो रहा है जी। ये मेरी एक ढेरिया जी एक वो गे रखी है जी, ये दो ट्रालियाँ और 3 थौड़ गे रखी है जी, यहाँ पहला तो जगह नहीं है जी। टोकन सिस्टम का तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पता, लड़के नु पता जी, लड़का जीरी लेन गया और मैं यहाँ ही हूँ। सरकार अच्छी होनी चाहिए जी, जिमींदारा के हक में जिमींदारा का तो नाश हो गया, बहुत बुरे थे जिमींदार फंस रहे हैं, जिमींदार तो पहले ही बहुत रगड़िया हुआ, अहो मोचर तो जी सकाय सकाय का कट रहे हैं जी, दो दिन सकावा जी, नहीं जी हम नहीं सोचता, बुरा हाल है जी, बहुत बुरा हाल है जी। आज निर्मल सिंह के सिंह एंड सन से निर्मल सिंह प्रोडक्टर, और यहाँ से जो कि इसकी जो इसमें जीरी में समस्या आ रही ना मेन जी, ये समस्या आ रही भी जैसे मतलब पहले रेगुलर काम चला था उसी के हिसाब से काम चलना चाहिए। और ये जो सरकार कह रही थी मैं अमेरिका बना दूंगी, अमेरिका तो देखो इनकी जो वेबसाइट है वो नहीं भी चलने का है, किसान इतने परेशान हो रहे हैं जिसका कोई बेहसाब अंत नहीं है, तो इन्हें तो इतने परेशान कर दिए, हम भी खुद परेशान हो गए कि किसी का 2 क्विंटल का गेट पैसा रहा है, किसी का 5 कह रहा है, किसी का पूछ रहा है, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, तो इस करके परेशानी ही परेशानी बढ़ती जा रही है कि इसका मान ले कोई ना कोई गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए। और ये तो ऐसा हो गया कि किसान इतना परेशान, हमारी भी जानकारी किसानों ने, हम इतने परेशान हो गए जिसका कोई हिसाब नहीं है, और कहा मेरी पर बिना गेट पास से हम नहीं भर सकते, पर का कैसे कर लो उसमें शॉर्टेज है कि कौन देगा, ठीक है ना जी, हम तो कच्ची भर्ती करके किसान की तरह हैं, ये तो तुम्हारी भर्ती जब कुछ ज़्यादा जल्दी करा बिना मोर्चर का, तो ऐसा है जी देखो मोर्चर जिसका जैसे मतलब गवर्नमेंट ने कर दिया 18-19 में उठाऊँगी, तो उसके बाद जो मोर्चर है उसका तो मतलब कट देने का ही बनता है, जैसे सैलर वाले ठाना गवर्नमेंट तो ठानी नहीं हो तो बस क्या कर लेंगे, इसके बिना तो ट्रैक्टर वाले तो मानते नहीं, मतलब गिल्ली का तो कहेंगे हम 17 ही मोचर लेंगे, इस तो पर नहीं लेने गया। और जिसने पहला तो गेट पास जो आया जिन्हें 25-25 तरीके पर या 30 के बाद तो किसी का गेट पास भी नहीं दोबारा आया। हमारे पास पैडी की जो परचेज है 3 दिन पहले से शुरू हो चुकी है, अभी कोई किस तरह की कोई समस्या नहीं है, भलाई तुराई जो भी कुछ है सफाई स्मूथ वे में चल रहा है और उठान भी स्टार्ट हो चुका है। हमारे यहाँ पर लगभग 27,000 क्विंटल की परचेज हो चुकी है और थोड़ी सी समस्या हमें ऑनलाइन परचेज में आ रही है, जैसे जो साइट है गवर्नमेंट की तरफ से नए तरीके से उसको उपलब्धि है हमारे लिए, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या आ रही है जिसके कारण किसानों को समस्या आ रही है, उसमें जैसे मैसेज जा रहे हैं थोड़े से गलत जा रहे हैं, लेकिन साइट मैनेजमेंट जो है NIC की तरफ से है उसका जो है ना समाधान किया जा रहा है समय समय पर, ऐसे कोई समस्या नहीं है। थोड़ी सी यही समस्या है कि जो मैसेज जा रहे हैं सरकार ने कोरोना को देखते हुए ये चाहा है कि ज़्यादा मात्रा में किसान मंडी में ना आए, इसलिए मैसेज कम जा रहे हैं, जबकि और ज़्यादा मात्रा में मैसेज भेजे जा सकते हैं जिनको अकोमोडेट किया जा सकता है। इनका तो मेरे ख्याल ये तो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज़ लगभग अंबाला में ले लो हरियाणा में ले लो लगभग सभी जगह परचेज स्टार्ट हो चुकी है, कोई मुद्दा बचा नहीं है इसमें। MSP जो है ना पूरे रेट दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से 1888 रुपये और कॉमन ग्रेड का 1868 रुपये,
कोई समस्या नहीं है।